क्या आपको पता है कि रिसेंटली चाइना ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दोबारा से एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को डिफेंड किया। देखिए यूएनएससी की 1267 कमेटी, जिसे आईएसआईएस अलकायदा कमेटी भी कहा जाता है, टेररिस्ट्स और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सैंक्शंस लगाती है और इस कमेटी में किसी भी टेररिस्ट या टेरर आउटफिट को इंक्लूड करने के लिए पांचों परमानेंट मेंबर्स को एग्री होना पड़ता है। और रिसेंटली इंडिया ने यूएस की हेल्प से जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर के भाई अब्दुल रौफ अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए रेजोल्यूशन भी पास किया था, जिसे चाइना ने वीटो कर दिया। इससे पहले भी पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर चाइना इंडिया एंड यूएस की टेररिस्ट के अगेंस्ट रेजोल्यूशन को भी वीटो कर चुका है। तो दोस्तों, क्या कभी इंडिया के पास चांस था यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने का? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।